हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में विशेष ओलंपिक भारत नेशनल हेल्थ फेस्ट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित जनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम सब समाज के देनदार हैं, इसलिए समाज का कर्ज उतारने के लिए जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और विशेषकर दिव्यांग जनों का पूरा सहयोग करना चाहिए। आज दिव्यांग जनों का ये कार्यक्रम सारे हरियाणा में चलाया जा रहा है। इनको सबसे ज्यादा प्यार दुलार और सहयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन समाज की नजरों से, अपने दायित्व से वो उसको पूरा नहीं कर पाते। कुछ संस्थाएं, कुछ लोग, या ये संस्था जिसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की धर्मपत्नी मल्लिका नड्डा सारे देश में चला रही है, मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। हम सब इस समाज के देनदार हैं। हम हर पल कुछ न कुछ, किसी न किसी तरीके से इस समाज से ले रहे हैं, और वो कर्जा हमारे ऊपर चढ़ता जाता है, किसी भी तरीके से, पैसे के तौर पे नहीं, किसी भी तरीके से हम समाज से लेते हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में विशेष ओलंपिक भारत नेशनल हेल्थ फेस्ट कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने हम सब समाज के देनदार हैं, इसलिए समाज का कर्ज उतारने के लिए जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और विशेषकर दिव्यांग जनों का पूरा सहयोग करना चाहिए। जो लेते ही लेते हैं उनका जीवन खारा बन जाता है, और जो अपने जीवन की नेक कमाई में से जरूरतमंदों के लिए भी कुछ करते हैं, इसलिए देख के आंखें बंद कर लेने से तो समस्या का समाधान नहीं है। हमें पूरी तरह से इन दिव्यांग जनों का हमें मदद करनी चाहिए, हर जगह पर मदद करनी चाहिए, ताकि ये भी हमारे बराबर आकर खड़े हो सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में दिव्यांग जनों के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इन लोगों को प्यार और प्रेम की आवश्यकता होती है, इसलिए समाज में हमें अपने दायित्व को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार दिव्यांग जनों का ध्यान उनके परिजन भी नहीं रखते हैं और उन्हें कोई तवज्जो भी नहीं देते हैं, इसलिए आज हमें उनके विजन को ध्यान में रखते हुए उन्हें हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास करते हुए उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।